आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित सिंधी धर्मशाला में सिंध समाज के सहयोग से कटनी जीडी मेमोरियल हॉस्पिटल से आए हुए वरिष्ठ चिकित्सक शिशु एवं नवजात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक चौधरी एवं उमरिया हॉस्पिटल के चिकित्सकों की मौजूदगी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया एवं आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारम्भ मुख्य अतिथि के रूप में बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह के द्वारा किया गया, जहाँ इस अवसर पर शिविर के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य का निःशुल्क जाँच उपचार एवं आवश्यक सलाह देते हुए दवाएं दी गयी। वही डॉक्टर अशोक चौधरी, डॉक्टर अनमोल चौधरी सहित अन्य चिकित्सकों ने बताया कि सिंध समाज के तत्वाधान में बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन स्थानीय सिंधी धर्मशाला में आयोजित किया गया एवं स्वास्थ्य शिविर के दौरान 105 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है एवं सिंध समाज के द्वारा यह आग्रह किया गया है कि सप्ताह में एक बार यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हुए सेवाएं दी जाएं। वहीं सभी लोगों ने आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए जिलेवासियों से अपील की है कि सप्ताह में एक दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर स्थल पर पहुंचकर चिकित्सा सेवा का लाभ उठाएं, जहां आयोजित स्वास्थ्य शिविर के दौरान वरिष्ठ चिकित्सक शिशु एवं नवजात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक चौधरी, डॉक्टर अनमोल चौधरी एवं उमरिया हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर केसी सोनी, मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर वीएस चंदेल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीपी साक्य एवं चिकित्सक टीम सहित सिंध समाज के अध्यक्ष शंभूलाल खट्टर एवं संबंधित लोगों सहित स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। बात बनी है, मैं मानपुर में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हूँ। आज हमारी उमरिया में हमारी पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष श्री शंभूलाल खट्टर जी एडवोकेट द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे जो पूर्व सीएमएचओ थे डॉक्टर अशोक चौधरी और उनके बेटे डॉक्टर अनमोल चौधरी द्वारा सफल रूप से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे नीडेड बच्चे जो थे उनका उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण किया। करीब 110 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। अब हमारे सिंधु समाज के पूजनीय अध्यक्ष जी द्वारा यह तय किया गया है कि हर सप्ताह में एक दिन डॉक्टर अशोक चौधरी सर, जो बहुत अनुभवी हैं, उनके हाथों में एक प्रकार से जैसा जादू है, वो बीमार बच्चों को देख कर ही बता देते हैं कि उन्हें क्या बीमारी है। तो हमारे उमरिया जिले के सभी जिले के निवासी जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के, उनको स्वास्थ्य शिविर का लाभ मिल सके, इसके लिए हमारे सिंधु समाज द्वारा तय किया गया है कि सप्ताह में एक दिन, शायद बुधवार को एक कैंप रखा जाए। जो डॉक्टर अनुभवी होते हैं वो मरीज को, बच्चों को देखते ही पहचान जाते हैं कि इनको क्या कष्ट है। इसलिए मैंने डॉक्टर चौधरी को, हमारी चर्चा हुई थी और मैंने डॉक्टर चौधरी से कहा कि डॉक्टर साहब एक दिन का समय दीजिए। और अत्यंत हर्ष का विषय है कि डॉक्टर साहब ने हर सप्ताह टाइम दिया है बुधवार के दिन, और मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी मांग को बगैर किसी संकोच के इस बात को स्वीकार किया है। और निश्चित रूप से आज मैं डॉक्टर सीपी साक्य हूं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट उमरिया में, और आज उमरिया में एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सिंध समाज के सहयोग से हमारे पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर अशोक चौधरी सर के द्वारा निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है और जिसमें लगभग 100 से अधिक बच्चे आए और सभी का इलाज हुआ है और सभी को फ्री में दवाइयां भी दी गई हैं। और इस तरह के कैंप में चाहता हूँ हमेशा होते रहें, जिससे कि आमजन को फायदा मिलता रहे, उनको निःशुल्क दवाइयां मिलती रहें, उनका उपचार होता रहे। और ऐसे कैंपों का मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसका फ़ायदा उठाएँ, अपने बच्चों को लेके आए हैं। सिंधु समाज के तत्वाधान में एक बच्चों का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था और स्वास्थ्य शिविर में लगभग 105 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। हमारे लिए एक बहुत ही कहना चाहिए अफेक्शनेट जगह है। हमारा काफ़ी लंबा कार्यकाल लगभग 2 साल का यहाँ पर रहा है। पुराने मरीजों से, पुराने स्टाफ से, चिकित्सालय के डॉक्टरों से सबसे मुलाकात हुई, बहुत बढ़िया लगा। और मरीजों की परीक्षण किया, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हिंदू समाज के लोगों के निवेदन पे ये तय किया है कि सप्ताह में एक बार यहाँ पर रेगुलर विजिट देंगे और यहाँ पर सेवाएं अपनी प्रदान करेंगे। माननीय बांधवगढ़ विधायक के नेतृत्व में, लल्लू भैया के नेतृत्व में, उनके मुख्य आतिथ्य में आज पूज्य सिद्धि समाज द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का
बच्चों के लिए एक कैंप रखा गया था, जिसमें प्रमुख रूप से सिंधी समाज के अध्यक्ष आदरणीय समूलाल जी, कटनी से शिविर के प्रणेता डॉक्टर चौधा सर, उनके बालक एवं स्वास्थ्य विभाग उमरिया की पूरी टीम, पूरी सिंधी समाज के सभी सदस्य लोग मौजूद रहे। इसमें 108 बच्चों का निःशुल्क परीक्षण कर उनको निःशुल्क दवाइयां दी गई एवं डॉक्टर चौधा द्वारा बांधवगढ़ की जनता को सेवाएं देने के लिए सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को वो अपनी ओपीडी तुज सिद्धि समाज की जो उनकी धर्मशाला है उसमें वो हर सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को